नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर, और आज काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर, काफ़ी बच्चों ने ये क्वेश्चन शेयर किए हैं कि सर आज यहाँ से लगभग मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे इस पेपर से, तो आप इस पेपर का पूरा एनालिसिस करो। अब बच्चों ने ये नहीं बताया कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लगभग आपके 20-25 क्वेश्चन है, तो पूरे क्वेश्चनों का एनालिसिस करो, क्योंकि यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन पूछेंगे आज, ठीक है। तो जिन बच्चों का एग्जाम वो जरूर मिलान करें, साथ जिन बच्चों का कल एग्जाम वो भी इसका एनालिसिस करके जरूर जाए, जिससे आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही इसी प्रकार के अन्य सीबीटी एग्जाम के पेपर प्राप्त करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो आप वहाँ से लिंक ज्वाइन करो। वहाँ पर काफ़ी हजारों बच्चे हैं, जहाँ पर काफ़ी बच्चे रोज एग्जाम देके आते हैं, और काफी प्रॉफिट आपको वहां से मिलेगा। शायद दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगली क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा खराब ना करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आज, गति का सूत्र क्या है? तो बताओ दोस्तों गति का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तय की गई दूरी बटा समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है मैट्रिक्स सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? तो बताओ दोस्तों कितने वाट होते हैं? तो सभी को पता है 735.5 वाट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है, तो कितना कार्य होता है? तो दोस्तों उसके लिए आपका होता है 3750 जूल, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन अब तक इतना तो मुझे पता है कम से 5 या 6 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो इसका मान होता है 1। इस क्वेश्चन का मुझे कन्फर्म पता है। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम कैलोरी। क्या कहते हैं? कैलोरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार अभी एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है यदि 1 रोड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है, तो उसका रे के प्रसार गुणांक क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1.75 × 10⁻¹⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक वृक्ष जिसकी भुजा 18 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल होगा 324 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना होता है? तो दोस्तों इसका एलसीएम होगा 36, यानी 36। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइन थीटा किसके बराबर है? तो दोस्तों साइन थीटा होता है विपरीत भुजा बटा कर्ण, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन आपका 529 का वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों वो होता है आपका 23 का वर्गमूल होगा 529। अगला क्वेश्चन है इनमें से ए धातु कौन सी है? तो बताओ दोस्तों कौन सी होगी? तो वो होती है आपकी ग्रेफाइट, जो कि आपकी ए धातु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो होता है आपका दूसरा डलवा लोहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है आपका इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो दोस्तों वो होता है आपकी लोहे धातु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन है आपका रेती कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए करेंगे हम उच्च कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? तो दोस्तों वो होता है आपका 19.5। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंड्यूज ईएमएफ का सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों इंड्यूज ईएमएफ का सूत्र होता है BLV साइन थीटा, यानी आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।